हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, जो आपको इस चैनल पे हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी। तो आज का जो वीडियो है मेरा, वो इस पाउच के रिगार्डिंग है। ये बिल्कुल सिंपल पाउच है, इजी टू मेक है। देखिए, ये जो लाइनिंग का पार्ट है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये जो मैंने इसमें सॉफ्ट बिल्कुल लाइनिंग लगाई है, वेलवेट, बहुत लाइट वेट वेलवेट का ये कपड़ा है। और ये जो मैंने बनाया है ये बैग, ये प्योर लेदर में बनाया है। मेरे बहुत सारा सामान, बहुत सारा कटिंग मेरे पास वेस्ट पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके छोटे छोटे पाउच बना के मैं रखूँ अपने पास। ये किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल के दे सकते हैं। अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो किसी को कुछ भी डाल के इसमें चॉकलेट्स डाल के दे सकते हैं। इसके अंदर आपने कोई गिफ्ट सोचा है, कोई नेकलेस सोचा है, कोई बैंगल सोचे हैं, कुछ भी इसके अंदर रख के आप दे सकते हैं। और ये बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिटी लगता है। और आज मैंने इसके अंदर ये सिखाऊंगी कि इस टाइप का जिप कैसे लगता है। देखिए, इस टाइप का, क्योंकि मेरे पास ये बिल्कुल, मैंने मेरा बंडल मैंने लिया हुआ है, तो उसमें से ये जिप लगाया है मैंने। वो जिप ये लगाया है, जो मेरे पास जिप्स का बंडल है वो वाला जिप लगाया है इसके अंदर। आप अपना चाहे कोई भी जिप लगा सकते हैं, जिसके आगे एक स्टॉपर्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी कि इसके, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरे सिलाई बिल्कुल इसके अंदर से है। सी, ये देखिए, मैं भी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बाहर निकालना है सिलाई करते वक्त, कि ये सिलाई में नहीं आना चाहिए, इसका जो पीछे का टेल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये जो मैंने कपड़ा लिया है अपना, ये मैंने इसका जो चौड़ाई लिया है वो है 26 सेंटीमीटर। देखिए 26 सेंटीमीटर आया है, देखिए। और ये जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो आया है 18.5। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप 18.5 लीजिएगा, क्योंकि मेरा 18.5 ही आया है। इट्स 18.5 सेंटीमीटर। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये अपने जो मेरे पास कटिंग बची थी, बैग्स वगैरह मैं बनाती थी, पीओ लेदर की बनाती हूँ, तो उसके जो कटिंग बची है उसका मैंने बनाया है ये। इसके पीछे आप इंटरफेसिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया है। ये मैंने इसकी लाइनिंग काटी है सेम मेजरमेंट की, और मैंने दो लाइनिंग काटी हैं दोनों पार्ट्स की, आगे और पीछे की। हम लोगों को इतना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये मैंने ज़िप लिया है, जो मेरे पास पूरा बंडल पड़ा है उसमें से मैंने कट करा है। आप चाहे तो कोई भी ज़िप ले सकते हैं, मैंने थोड़ा लंबा लिया है। ये इसका रनर है, जो सिंपल मार्केट से आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका हमने पार्ट कर लिया है, दो पार्ट कर दिए हैं। अब ये देखिएगा, ये जो ज़िप है ये दोनों तरफ सीधा तरीके से लगेगी। मतलब ये वाला जो पार्ट है, सीधा पार्ट इसका, ये ऊपर की तरफ, ये ज़िप, ये जो पाउच वाले पार्ट पे यहाँ लगेगा इस तरीके से।
अब हमें इसका यू बनाना है, आगे यू शेप देना है। इसको पहले फोल्ड करेंगे, ये देखिए इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करा है। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा पकड़कर 1 सेंटीमीटर आप उसको पकड़कर ऊपर से और नीचे फोल्ड कर दीजिएगा उल्टी तरफ, सीधी तरफ नहीं दिखेगा, ये ज़िप का जो सीधा पार्ट है उसकी तरफ नहीं दिखेगा, ये उल्टी तरफ ही दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, तो ये पार्ट आपका यू शेप में आ जाएगा, हल्का सा ऊपर से बेंड हो जाएगा और यही पार्ट आपके पाउच में जाएगा जिस पे आप सिलाई कर देंगे, इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ आके आपका रनर अटक जाएगा, तो हम इसमें अब लगा के देखते हैं। इसके आगे 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से छोड़ना है, आप चाहे तो ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं बट मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर छोड़ूंगी। वन सेंटीमीटर आप छोड़ेंगे इसमें से, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर और दूसरे तरफ से भी 1 सेंटीमीटर आप छोड़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बर्न करके चिपका के आपको दिखाने की कोशिश करी कि इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये फ्रंट है इसका जो ऊपर आएगा और ये बैक है इसकी जो अंदर जाएगा, ये देखिए। अब हम इसको लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए इधर से, मैं मार्क कर लेती हूँ एक बार, 1 सेंटीमीटर इधर एंड 1 सेंटीमीटर ही, सेम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ओनली आपको उधर से छोड़ना है। आप 2 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन मैं 1 सेंटीमीटर ही छोड़ूंगी। अब ये जो मैंने फोल्ड किया हुआ है इसको मैं इधर ही रखूँगी 1 सेंटीमीटर पे और मैं अपनी क्लिप्स लगाऊँगी, क्योंकि ये प्योर लेदर है, आर्टिफिशियल लेदर है तो इस पर होल्स हो जाते हैं अगर मैं पिन लगाती हूँ। तो ये मेरी क्लिप्स हैं, वंडर क्लिप्स जिन्हें बोलते हैं, तो मैं वो लगा रही हूँ, इससे इस पर निशान नहीं पड़ता और ईजी टू हैंडल है ये। 1 सेंटीमीटर इधर भी मैंने देखिए छोड़ दिया है कि मुझे याद रहेगा कि यहाँ पर मुझे जिप के साथ सिलाई नहीं करनी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी मैंने छोड़ा है। तो अब मैं इस पर सिलाई कर देती हूँ, बहुत ध्यान से धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। आप चाहे तो जिपर फुट लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है बट आप चाहे तो अपनी मशीन पे जिपर फुट लगा के ईजिली काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर सिल दिया है, 1 सेंटीमीटर बैक में छोड़ा है इसके और इधर से भी मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, ये देखिए। अब हम इस पर लाइनिंग का पार्ट लगाएंगे, दोनों तरफ जो राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करके रखेंगे। मैं इस पर दोबारा से ये अपनी वंडर क्लिप्स लगाऊंगी कि ताकि ये हिले ना और इजीली मैं इस पर सिलाई कर पाऊँ। 1 सेंटीमीटर ज़रूर याद रखिएगा कि आपको छोड़ना है,
दोनों तरफ से। अब मैं जो मैंने पहले सिलाई करी थी उसी का एज अ मैं ध्यान से देख के उसी पे मैं सिलाई दोबारा करूँगी। जहाँ तक वो सिलाई है वहीं तक मैं दूसरी सिलाई भी मारूँगी क्योंकि मेरे को लाइनिंग अटैच करना है। देखिए मैंने लाइनिंग अटैच कर दिया है। अब मैं इस पर टॉप सीम करूँगी, टॉप सिलाई मारूँगी, टॉप स्टिच करूँगी जिससे कि ये बैठ जाएगा। लाइनिंग पार्ट को अंदर की तरफ करके ये दो, ये जो पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर उसको नहीं सिलना है हमें, जो ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सिलाई यहाँ से लेकर पूरा मारना है, बट ये वाले पार्ट पे नहीं मारना है। ये देखिए जो मैंने 1 सेंटीमीटर पीछे आपको मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, दोनों तरफ से मैंने लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है दोनों तरफ से मैंने 1-1 सेंटीमीटर आगे पीछे छोड़ा है, उस पर सिलाई नहीं मारनी है जब आप टॉप स्टिच करेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक बार फिर से मैंने ये अपने वॉन्डर क्लिप्स लगा रही हूँ ताकि आगे पीछे के जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो, मेरी लाइनिंग गलत तरीके से ना सिले। ये देखिए मैंने इधर अपना क्लिप्स लगा दिए हैं। अब मैं इस पर टॉप स्टिच कर रही हूँ, एक टॉप सिलाई कर रही हूँ जिससे कि मेरा ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा दब जाएगा और इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए मैंने इस पे कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये वाला पार्ट पे करी है और मैंने उस पार्ट पे नहीं करी है। ये देखिए दो पार्ट मेरे दोनों ओपन हो रहे हैं, इधर से भी एंड बैक साइड से भी, देखिए इधर से भी। ऐसे ही मैं अपना दूसरा पार्ट बना दूंगी, बट ये ध्यान रखिएगा कि दोनों जब आप बनाएंगे तो जो जिप लगाएंगे वो इस तरीके से ही लगनी चाहिए, दोनों का फेस ऐसे ही होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैंने दोनों बना लिए हैं। ये देखिए दोनों का आमने सामने फेस आ रहा है इस तरीके से। दोनों के जब बंद होगी जिप तो दोनों तरफ कर्व आना चाहिए, जिस तरफ बंद होगी जिप, ये देखिए इस तरीके से। तो इसके अंदर मैं रनर डालूंगी ये। बट एक चीज़ में और भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को इक्वल रखिएगा। देखिए जैसे मैं इक्वल कर रही हूँ, ये ऊपर की दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल आने चाहिए, जहाँ से आपका फैब्रिक स्टार्ट होता है वो। उसके बाद आप इसके अंदर अपना ये रनर डालिए। ये देखिए मैंने इसके अंदर अपना रनर डाल दिया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए इतना मैंने बना लिया है। अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया, प्लेन कर लिया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, अब इन दोनों पल्लों को अलग अलग जोड़ना है, लाइक लाइनिंग से लाइनिंग। थोड़ा सा हम ये खोल लेंगे पार्ट, जिपर पार्ट, जिससे कि जब हम इसको अंदर से बाहर निकालें तो वो ईजिली निकल जाए। अब हम लाइनिंग से लाइनिंग और मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जिप है ये बाहर की तरफ दिखनी चाहिए, लाइक ये जो है ये वाली जो पार्ट है ये बाहर की तरफ होना चाहिए। तो हम इसको इसी तरीके से सिलेंगे कि ये बाहर दिखे हमें, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
इस तरीके से, और हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को एक पिन लगाना पड़ेगा, या एक आप ये वॉन्डर क्लिप लगा सकते हैं। इसको इक्वल तरीके से करके इस तरीके से आप यहाँ पर जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आप लगा पाएंगे। देखिए ये लगा लीजिए, इस तरीके से मैंने हर जगह लगा ली है। अभी जो बैक का पार्ट है, ज़िप के बैक का पार्ट, इसको सिलाई करते वक्त मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। ये अंदर की तरफ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ तक सिर्फ इसके ये वॉन्डर क्लिप्स में यहाँ तक ही लगाऊंगी। जैसे जैसे मैं सिलती रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जैसे छोड़ा हुआ है वो पूरा ही ब्लॉक होगा। ये हम लोग इसको पूरा ही सिलाई करेंगे। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल ही इसको बिल्कुल कंसील कर देंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से दोनों पार्ट्स को कंसील करना है कि ज़िप भी ख़राब ना हो, ज़िप भी बाहर आ जाए और दोनों पार्ट ये सिल भी जाएं इजीली। थोड़ा सा ये ट्रिकी है बट इतना ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है ये। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सिल के दिखाऊंगी तब भी आपको पता चलेगा। चलिए अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं मेन पार्ट्स का सिलाई करूँगी, एक से एक दूसरे को जो मैं सिल रही हूँ वो मैं मेन पार्ट्स सिल रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत इजीली, ये प्यू लेदर एक साथ में सिल रही हूँ। इसमें आप चाहें तो ज़िपर फुट लगा के भी सिल सकते हैं बट मैंने ज़िपर फुट नहीं लगाया है, मैंने प्लास्टिक फुट लगा के ही अपना ये मैं सिलाई कर रही हूँ जी। देखिएगा ये देखिए, ये जो ज़िपर पार्ट है ये बिल्कुल जो आगे वाला पार्ट है जो बेंड है जो यू शेप में है इसको किस तरीके से सिलना है ये देखिएगा। बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है मेरा कैमरा, कोशिश मेरी है कि ना हिले, आप इजीली देख पाएँ। ये देखिए लाइनिंग पार्ट तक आ गई मैं। थोड़ा सा आप अपने हाथ से लाइनिंग पार्ट भी सही करेंगे तो इजीली वो ड्रैग होगा। ये देखिए बस मैं इतना ही करूँगी, बाकी पार्ट छोड़ूंगी टर्न करने के लिए। ये एंड से एंड मिलाया, ये देखिए थोड़ा सा और करके बस इसको मैंने लॉक कर दिया है सिलाई। अब मैं ये वाले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो मैं छोड़ रही हूँ ईज़िली इसको बाहर निकालने के लिए। ये जो हम सीधा करेंगे इसको तो कोई गैप चाहिए होता है जिसकी वजह से वो बाहर निकल के सीधा होगा, तो ये वो गैप है लाइनिंग में जो हम देंगे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा पार्ट और सिल देती हूँ लाइनिंग का, ये बॉटम। थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है मैंने, थोड़ा सा और छोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये मैं जो लाइनिंग सिल रही हूँ इसके ही आगे आके वो टेल आएगा जिपर का। ये देखिएगा मैं इसको किस तरीके से अंदर फोल्ड करती हूँ। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कहाँ फोल्ड करना है, ये ऐसे नहीं सिल सकता,
बिल्कुल भी नहीं सिल पाएगा, ऐसे ऐसे भी नहीं सिल पाएगा, ये इस तरीके से सिलना है। तो इस तरीके से सिलने के लिए मैंने इसको इस वाले पार्ट से ही अंदर डाल दिया। सी तो ये जो पार्ट है जहाँ से आपने ओपनिंग दी है, देखिए मैं भी ओपनिंग वाला जो पार्ट आपने दिया है वहाँ से अपना हाथ डाल के उसको और पीछे की तरफ आगे की तरफ पुल कर रही हूँ ताकि ताकि ये स्लाइव पे आना जाए। ये देखिए इस तरीके से अब आप इजीली उसको सिल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सिला ये ऐसे, थोड़ा सा आपको अपना प्रेशर फुट, ये जो आपका स्नैप फुट है उसको करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। एंड सी ये मैंने पूरा सिल दिया। देखिए ये ओपनिंग पार्ट है, यहाँ से हम सीधा करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को ये जो कॉर्नर्स हैं थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर देखिए ये मैंने कॉर्नर्स काट दिए हैं, चारों कॉर्नर्स काटने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको सिलाई नहीं काटनी जो आपने कॉर्नर्स पे करी है, वरना आपको पूरा दोबारा से सब सिलना पड़ेगा। तो देखिए अब कॉर्नर्स काट दिए हैं, अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। हल्का सा आपको कॉर्नर्स पे मारना पड़ेगा लाइक कुछ निकालने के लिए, लाइक कुछ पिन या कुछ चीज़ से, पिन से बेटर होगा। आप ज़्यादा फ्लैट या बहुत हल्का सा टिल्टेड कुछ लीजिए, लाइक मैं सीधर से कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसका पीछे से टेल भी निकाल दिया है, वो लाइनिंग के अंदर था, वो देखिए मैंने निकाल दिया है, जिप का टेल जो है पीछे मैंने एक्स्ट्रा भी काट दिया है, इसका जो थ्रेड निकल रहा था। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका बंद हो गया। ये देखिए ये पीछे आपका टेल है, ये इसकी लाइनिंग पार्ट है। ये देखिए अब मैं इसका जो लाइनिंग का ये जो हिस्सा है जो खुला हुआ था उसको मैं सिल दूंगी। थोड़ा सा आप इसको इक्वल लेके आइए। और अब मैं इसको सिल दूंगी, कुछ नहीं करना, हल्का सा आपको पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचना है, दोनों तरफ पार्ट करके इसको बस इस तरीके से करना है, वो अपने आप ही शेप ले लेगा। और बस इसको सिलाई मशीन में रख के इसको सिल दीजिएगा। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए बस ये सिल गया, एक्स्ट्रा धागा मैंने काट दिया। ये मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड्स काट दिए, ये मैं लाइनिंग दोबारा अंदर डाल रही हूँ। ये आपका पाउच तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो पीछे का टेल है इसको किस तरीके से कवर करना है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए अब मैंने ये जो लिया है ये जो लिया है 5.5 सेंटीमीटर के आसपास लिया है, ये देखिएगा। और इधर से जो लिया है ये लिया है मैंने 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5.5 बाय 4 सेंटीमीटर का मैंने टुकड़ा लिया है। इसको मैं फोल्ड करूँगी, हाफ फोल्ड कर दिया मैंने, ये देखिए मैंने हाफ फोल्ड कर दिया इसको। और अब मैं अपना ये पाउच लूँगी, पाउच के अंदर इसको इस तरीके से रखूँगी क्योंकि ये पतला हो चुका है, ये जिप पतली हो चुकी है, इतनी चौड़ी जिप वो फोल्ड होके पतली हो गई है तो हम उसे पतला ही बनाएंगे, हमें चौड़ा नहीं बनाना है। ये देखिए मैं कोशिश करी बट नहीं खुल रहा है, तो बेटर है हम लोग उसको बंद करके दोबारा इसको हम इतना ही रखें
अब मैं इस ये जो मैंने अपना ये इसके लिए काटा है तिल को कवर करने के लिए यहाँ ऐसे रखा है। अब इस पे मैंने मार्क लगा लिया है कहाँ तक है, यहाँ से लेकर मैं इसको बिल्कुल उस कॉर्नर तक लेके जाऊंगी। हल्का सा ये टेढ़ा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से होगा। ये देखिए ये हल्का सा ऐसे जाएगा ट्रायंगल की शेप में इस तरीके से। अब मैं इसको सिल दूंगी। देखिए मैंने सिल दिया इसको, इस पार्ट को मैंने जो सिला है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए अब इसको सीधा कर दीजिए, ये मैंने सीधा कर दिया। ये हल्का सा जो मैंने दो ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसके जो दोनों तरफ पार्ट्स होते हैं फैब्रिक के उसको दबा दिया मैंने, इसको मैंने बीच में लाया है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बीच में लेके इसको ये जो इसका टेल है इस तरीके से डाल के यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दी है, ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दी है इसके दोनों पार्ट्स में। तो ये मेरा खुल गया है, ये मैंने खोल के भी आपको दिखाया, ये इस तरीके से बनेगा। बहुत प्रिटी है, बहुत यूनिक है। ये देखिए होप कि आपको अच्छा लगा मेरा ट्यूटोरियल। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।